హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఇండియా బట్ డాట్ కామ్ ఫ్రెండ్స్. జైపూర్ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నే మల్టిపల్ వేకెన్సీస్ నికాలీ హై సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కే లియే, ఇలెక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కే లియే ఔర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కే లియే. తో ఇస్ వీడియో మే హమ్ ఆప్కో ఉస్కే బారే మే డీటెయిల్ దేనే వాలే హై. తో పూరా వీడియో దేఖే జానకారీ కే లియే, ఆప్కో యే సారీ డీటెయిల్స్ ఇస్మే మిల్ జాయేగి వీడియో మే. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं. चैनल के को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पर आपको फ्री में अपडेट्स मिलते रहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम अपडेट हो, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो, स्टडी मटेरियल अपडेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड अपडेट हो, तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप सामने देख रहे हैं ये वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, ये जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेटेड है 16 दिसंबर 2019 को ये निकला है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है. तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो वेबसाइट है वो jaipurmetrorail.in है और यहाँ पर वेरियस डिटेल्स दिए हुए हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट निकला है वो है 16 दिसंबर 2019 को, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का और एप्लीकेशन फी का थ्रू JMRC रिक्रूटमेंट पोर्टल है 23 दिसंबर 2019 से लेके आप 23 जनवरी 2020 तक कर सकते हैं 11:55 PM तक, या फिर आप ई मित्र कियोस्क से भी कर सकते हैं जो कि राजस्थान में है. तो ये कल से शुरू हो जाएगा, अगर आप वीडियो सेम डे देख रहे हैं जिस दिन अपलोड हुआ है उस दिन से, तो ये कल से शुरू होने वाला है. आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना और एप्लीकेशन फ़ी आप पे कर सकते हैं. अब पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ मल्टीपल पोस्ट हैं, 8 तरह के पोस्ट हैं, लेकिन हम लोग इसमें जो बात करने वाले हैं वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर सिविल की. तो इसमें 4 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर सिविल के 4 पोस्ट हैं. तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. उसके रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ से देख लें, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं. तो रिजर्वेशन का डिटेल्स वहाँ से आपको मिल जाएगा. यहाँ पर मल्टीपल टाइप के यहाँ पर रिजर्वेशंस हैं, तो इसके लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली अपने रिलेटेड जानने के लिए आप देखिए. जैसे यहाँ OBC से रिलेटेड दिया है, फिर MBC से रिलेटेड दिया है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन है, तो ये सारे दिए हुए हैं. एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए. जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और आपका जो मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 50% होना चाहिए. जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सेम इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए. तो यहाँ पर और भी डिटेल्स दिए, कट ऑफ डेट है डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी का, ये है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स 23 जनवरी 2020. मीन्स अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, मीन्स फाइनल ईयर में हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं. और जो कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं इससे पहले तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, 18 ईयर्स चाहिए मेंटेनर्स के पोस्ट के लिए, और 41 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 को. उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं. नेशनैलिटी की बात करें तो यहाँ पर डिटेल्स जैसे दिया हुआ है, जब बाकी एग्जाम्स की तरह यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया है. मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो कि JMRC मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स है वो वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं. मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, उसके बारे में भी डिटेल्स दिया है. फिर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर दिया है कि जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन ही फिल होगा. तो JMRC का रिक्रूटमेंट पोर्टल जो कि है jmrcrecruitment.in, इससे होगा एप्लीकेशन, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं. अगर इंटरनेट फैसिलिटी है, रीजनेबल स्पीड और ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी है, नहीं तो ई मित्र कियोस्क से भी आप कर सकते हैं अगर राजस्थान के अंदर हैं तो.
तो उसके लिए आपको इनिशियली रजिस्टर करना होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, एक टाइम एक्टिविटी है। उसके बाद आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें यहाँ पर, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता एक बार सबमिट होने के बाद। उसके बाद मैसेज जो आएगा आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से रिलेटेड, और इसको यूज़ किया जा सकता है पूरे रिक्रूटमेंट, JMRC का रिक्रूटमेंट का पूरा जो डिटेल्स है वो फिल करने के लिए। उसके बाद बाकी डिटेल्स दिए हैं, तो हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर ये सारे डिटेल्स दिए हैं कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, लंबा चौड़ा डिटेल्स दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ OLR और L के लिए तो 250 रुपीज़ है, फॉर SC ST कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान 250 रुपीज़ है, फॉर नॉन क्रीमी लेयर OBC EWS MBC कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान 400 रुपीज़ है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। सर्विस चार्जेस जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ फीस थ्रू ई मित्र कियोस्क से करते हैं तो 45 पर ट्रांजैक्शन है, और पेमेंट ऑफ फीस जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अदर ऑनलाइन मोड से 10 रुपये है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए होगा, और एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो जूनियर इंजीनियर्स के लिए बस दो होंगे, एक CBT होने वाला है और एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। CBT एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा जो अगर एप्लीकेबल है तो, ये चूँकि जूनियर इंजीनियर्स में इंटरव्यू नहीं होगा तो ऑनली CBT होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन और कॉम्प्लेंट्स रिगार्डिंग कोई भी एरर है अगर क्वेश्चन पेपर में तो ये भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है, जो कि बाद में स्केड्यूल आ जाएगा। तो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है उसका मैक्सिमम टाइम जो मिलने वाला है वो 2 घंटे मिलने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन से होंगे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 1 मार्क करेक्ट होने पर मिलेगा और गलत होने पर -0.25 हो जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40% हर टाइप के कैंडिडेट के लिए, एक्सेप्ट अगर आप SC ST PWD ESM कैटेगरी में है तो, और 35% है SC ST PWD ESM कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया 40% और 35% है। उसके बाद जो पेपर होगा वो ऐसा होगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और हिंदी से फिर 10 क्वेश्चन होगा। फिर यहाँ पर मेडिक, चूँकि जूनियर इंजीनियर में फिर यहाँ पर सीधे मेडिकल टेस्ट होगा, तो यहाँ पर दिया है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फाइनल मेरिट लिस्ट पैनल के लिए बुलाया जाएगा वेट लिस्ट कैंडिडेट को, इनको अंडर गो करना होगा मेडिकल टेस्ट, फिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो JMRC के वेबसाइट पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये डिटेल्स था, ये जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड नहीं था, ये बाकी पोस्ट के लिए था। अब जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर के लिए भी जो पेपर होगा वो होगा 120 मिनट्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा, पर क्वेश्चन 1 करेक्ट करने पे 1 मार्क, गलत होने पे -0.25 मार्क्स। 40% मार्क्स लाना है सारे कैंडिडेट को, एक्सेप्ट कि अगर आप SC ST PWD या ESM कैंडिडेट्स हैं उन्हें 35% मार्क्स लाना है। तो डोमेन ट्रेड रिलेटेड, मगर जैसे आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए दिया तो आपको 50 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से होंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया तो 50 इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल के लिए दिया तो 50 इलेक्ट्रिकल से होंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन और हिंदी से 5 क्वेश्चन होंगे। उसके स्टेज टू की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट या पैनल, वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स के पैनल में हो तो आपको अंडरगो करना होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, पास करना होगा, तो ये सभी के लिए मैंडेटरी है। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर है, फिर इंडिकेटिव सिलेबस है, इसके बारे में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का दिया है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर सिविल का सिलेबस दिया हुआ है।
तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं बाकी डिटेल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड भी भरना होगा, तो ये डिटेल्स दिया हुआ है, उसके सिलेक्शन प्रोबेशन और ट्रेनिंग का भी डिटेल्स दिया हुआ है, तो सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों के लिए सेम है, तो फिक्स्ड रिम्यूनरेशन अमाउंट है जो कि 23,700 है। बेसिक पे है 33,800 जब प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे तब। उसके बाद मंथली सैलरी कॉम्प्राइजिंग ऑफ बेसिक पे और डीए जो 12% होगा वो मिला के 37,856 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स भी दिए हुए हैं, तो आप कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें। उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल या सुझाव के लिए आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एलिजिबल है। उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ फ्री में अपडेट्स मिलेगा, रेगुलर अपडेट्स मिलेगा आपको यहाँ पर, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, न्यू कुछ सिलेबस आता है, एग्ज़ाम आता है उससे रिलेटेड, फिर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ये सारे डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।